Hello students, welcome to Dhal Sir classes. Previous lecture we were discussing about liberal feminism and Marxian feminism. So today we'll discuss about socialist feminism and radical feminism. Socialist feminism कभी कभी Marxist feminism के साथ जोड़ के देखा जाता है, जिसको आप समाजवादी नारीवाद विचार था. There is difference in the sense of that Marxist feminism always gives importance to the economic conditions, but socialist feminism also considers other issues, जैसे कि हमने कहा race, ethnicity, class, or whatever the differences related to the social conditions. Socialist feminists acknowledge patriarchal arrangement of power distribution as the second reason for the same. तो यहाँ पे खाली patriarchy जो पुरुषसत्ता समाज को लेके मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट शुरू किया था, बट सोशलिस्ट फेमिनिज्म उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है. दैट हाउ द ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो पैट्रियार्की वो तो है ही है, बट उससे जुड़े हुए अदर ऑपरेशंस जिस तरीके के बात किया गया, जैसे सेक्सुअलिटी, क्लास, रेस, एथनिसिटी एंड ये सारी चीजों को भी सोशलिस्ट फेमिनिज्म इम्पोर्टेंस दिया. सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव द लिबरेशन ऑफ वोमेन The moment aimed at dealing with issues collectively, यहाँ मतलब खाली economic conditions को नहीं या खाली patriarchy conditions को नहीं, उससे जुड़े हुए और भी issues, जैसे कि मैंने कहा sexuality या class या वर्ग या जिसको race कहते हो या ethnicity कहते हो, ये सारे चीजों को भी socialist feminism importance देता है. However, since for the social feminist, economic oppression and patriarchy constitute the basis. तो इकोनॉमिक ऑपरेशन और पैट्रियार्की जो बेसिस था मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, वो भी एक आधार है यहाँ पे भी, बट एट द सेम टाइम दैट हाउ द डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशन वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर. तो जब पैट्रियार्की को आप देखते हैं, सो पैट्रियार्की एक हायर कास्ट में, पैट्रियार्की एक लोअर कास्ट में, पैट्रियार्की वन टाइप ऑफ रिलीजन में, अदर टाइप रिलीजन. सो पैट्रियार्की इज ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट रेस for different ethnicity group also. Economic conditions similarly, that how the economic oppression has a relationship with high class and other lower class. तो ये जो degree and intensity की बात करते हैं, जो शोषण की या जो subjugation की या oppression की, वो हमेशा बराबर नहीं होता है. तो different social criteria में, social conditions में, इसकी भी intensity vary करता है. So that became important aspect to understand that how socialist feminist going beyond the Marxist feminist. सोशलिस्ट फेमिनिस्ट लाइक सिल्विया वल्बी को आप लोग सब लोग ने थ्योरी ऑफ पैट्रियार्की या किस तरीके से उन्होंने दिया था, प्राइवेट पैट्रियार्की, पब्लिक पैट्रियार्की, और चार्लोट परकिंस गिलमैन, डोना हराउए, एमा गोल्डमैन, सेल्मा जेम्स. सो यू कैन रिमेम्बर ऑल द सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हिच अमंग दिस इज ए सोशलिस्ट फेमिनिस्ट. सो प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस ऑथर्स जिसको आप सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के नाम पे जानते हो, दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वुमेन्स रोल एज बर्थ गिवर, चाइल्ड रियर, सोशलाइजर, केयर टेकर ऑफ द सिक एंड वन हु ट्रांसफॉर्म्स द हाउसहोल्ड इन अ प्लेस वर्थ लिविंग फॉर मेन हु इन्वेस्ट देयर लेबर आवर्स. तो यहाँ पे घर और बाहर दोनों जगह पे जो सोशली इनकी जो इम्पोर्टेंस है महिलाओं का, वो बात यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है. ये सभी के लिए है, परिवार के लिए भी, बच्चे के लिए भी, समाज के लिए भी, बाहर की दुनिया के लिए भी. तो इनकी लेबर को लिमिटेड नहीं किया जाए किसी एक जगह पे, ना घर पे ना बाहर. तो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है हाउस होल्ड से लेके पब्लिक स्पेस तक, ये सारी बातों को वुमेन्स रोल को इम्पोर्टेंस देता है. दैट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट दे गिव इम्पोर्टेंस टू द एवरी रोल फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए मदर, एज ए चाइल्ड रियरर और एज ए बर्थ गिवर, एज ए सोशलाइजेशन, केयर टेकर. तो सारे इश्यूज को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, सारे रोल प्लेड बाय द वुमन. सो इट इज नॉट अबाउट ओनली द इकोनॉमिक रोल, इट इज नॉट अबाउट ओनली द हेड ऑफ द फैमिली, बट सोशलिस्ट फैमिली इज ऑल्सो गिव्स एवरी रोल प्लेड बाय द मेल फीमेल इन फैमिली इन ऑल्सो द पब्लिक स्पेस. सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट इमोशनल लेबर ऑफ वुमन इज ऑफन इग्नोर्ड. जो हम कहते हैं इमोशनल लेबर जो जुड़ा हुआ है परिवार के साथ, उसके इमोशंस बच्चों के साथ, वो भी एक इम्पोर्टेंस है जो और कोई फेमिनिज्म इस बात को नहीं समझते थे, या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी नहीं, या लिबरल फेमिनिज्म के साथ भी नहीं था, बट यहाँ पे सोशलिस्ट फेमिनिज्म उस इमोशंस को इम्पोर्टेंस देता है.
जो कहता है पेट्रियार्की सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वुमेन के साथ जो जुड़ा हुआ जॉब मार्केट ये सारी जगह पर उसकी इमोशनल वैल्यू को भी देखना जरूरी है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे देयर रोल, दे कैन ऑल्सो काउंटर द मेल और एनी मेल डोमिनेंस और हरासमेंट। तो यहाँ पे उनकी जो इमोशनल सिचुएशंस है, दैट हाउ इट इज कंट्रोल इन ए मेल वे, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। बट ये उनकी जो स्ट्रेंथ था इमोशनल लेवल, वो खाली सब्जुगेशन के लिए नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ के लिए, उनकी हरासमेंट के खिलाफ आवाज के लिए, मेल डोमिनेंस को सामना करने के लिए, ये सारी चीजों को भी उनकी लेबर को या इमोशनल लेबर को सोचने की जरूरत है। द सोशल फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्स इन वुमेन्स यूनियंस लाइक चिकागो वुमेन्स लिबरेशन यूनियन टू डिमांड जस्टिफाइड राइट टू फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ लिविंग। तो यहाँ पे जो चिकागो वुमेन लिबरेशन यूनियन की बात करते हैं, जिन्होंने सिर्फ डिग्निफाइड लाइफ के लिए बात करते हैं, ना कि स्पेसिफिक इकोनॉमी या नौकरी या किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, बट एक डिग्निफाइड लिविंग के लिए सोशलिस्ट फेमिनिज अपनी आर्ग्यूमेंट देते हैं। देन कम टू द रेडिकल फेमिनिज्म, हम लोग जो अतिवादी नारीवादी विचारधारा की बात करते हैं, स्पेशली इन वेस्टर्न कंसेप्ट इट इज वेरी मच वी रिलेट विथ। इंडियन कंसेप्ट में हम लोग रेडिकल को ज्यादातर नहीं समझ पाते हैं, हम उस तरीके से आधार नहीं मिल पाता है, हमारे पास कोई रेडिकल फेमिनिस्ट इंडिया में कोई ऐसा दिखा नहीं जो रेडिकली अपने बात को रखता है, जैसे कि बेटी फ्रीडमैन, जो उन्होंने द फेमिनेंट मिस्टिक बेटी फ्रीडन, उन्होंने जो बुक लिखा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बुक विच गिव्स द रेडिकल पोजिशन ऑफ द फीमेल, दैट हाउ दे कैन फाइट देयर ऑपरेशन अगेंस्ट देम। एंड ये जो कल्चरल कंस्ट्रक्शन था उनकी, जो आइडेंटिटी को लेके जो इश्यूज रिलेटेड टू देयर जेनिटल्स या सेक्स हार्मोन्स या सेक्सुअल पोजिशन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और इससे जुड़ा हुआ जो पैट्रियर्की था, जो उनके सेक्सुअलिटी से, उनकी नोमेनक्लेचर से जो लैंग्वेज जुड़ा था, वो भी यहाँ पे रेडिकली वो अपोज करते हैं। दैट हाउ दिस रेडिकल फेमिनिस्ट इन ड्यूरिंग लेट 60s एंड अर्ली 70s वेर सीन एज रैगिंग मेटेरियलिस्ट स्ट्रेसिंग द मेटेरियल बेसिस ऑफ पैट्रियर्की। तो यहाँ पे एक भौतिकवादी परिचय दे रहे हैं पैट्रियर्की के साथ जुड़ा हुआ, ये किस तरीके से इन्होंने सारे सोसाइटी को कंट्रोल करने के एक आधार फैमिली प्रोडक्शन या सारे प्रॉपर्टी या सारे चीजों को, इस सारे खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। तो ये एक मीनिंगफुल राइट्स के लिए फाइट किया, फंडामेंटली दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन, दैट व्हाई जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड एब्सोल्यूट कैटेगरी वेयर मास्कुलिनिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन ए कंप्लीट अपोजिशन टू द अदर दैट इज फेमिनाइन। तो ये जो बाइनरी अपोजिशन था मास्कुलिनिटी फेमिनाइन, इसके खिलाफ था रेडिकल। तो हम लोग एक साइड मास्कुलिनिटी एक साइड फेमिनिटी, ये जो दोनों की जो बाइनरी अपोजिशंस के खिलाफ रेडिकल फेमिनिस्ट अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जितने भी रेडिकल फेमिनिस्ट लाइक मेरी डेली, सुजन ग्रिफिन, जूलिया पेनिलोप, आंद्रे रिज, दैट वुमेन हैव ए रिलेशनशिप विथ इक्वल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सेक्सुअलिटी देयर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तो ये मेन को हम लोग हमेशा सेक्स के साथ जोड़ के, सेक्सुअल पावर के साथ जोड़ के देखते हैं, और महिलाओं को हमेशा नेचर या इकोलॉजी या एनवायरमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं। इस खिलाफ रेडिकल फेमिनिस्ट ने आर्ग्यू किया दैट मेल कैन नॉट बी ओनली होल्डिंग द पावर ऑफ सेक्स और सेक्सुअलिटी। तो इस तरीके से जब रेडिकल फेमिनिस्ट, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े जैसे ब्रा बर्नर फिलोसफी उन्होंने यूरोप में अमेरिका में शुरू किया था, दैट व्हाई क्लॉथ इज वेरी मच क्लोज टू वन पर्टिकुलर बायोलॉजिकल बॉडी, तो वो चीज भी उनको कमजोर करता था। तो इस तरीके से हमने आपको कहा था कि किस तरीके से रेडिकल फेमिनिस्ट उस कपड़े उसको सप्रेस करने के एक आधार, इस तरीके की चीजों को रेडिकल फेमिनिस्ट अपोज करता। ऑल्दो दे आर क्रिटिक्ड फॉर बीइंग एरोनियसली जनरल इन देयर ऑब्जर्वेशंस दैट हाउ द आइडिया ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर फेमिनिस्ट बिकॉज ऑफ सच ए रेडिकल पोजिशन दे टेक, दैट मेल काउंटर पार्ट को पोजिशन को ये स्पेस नहीं देते हैं, मेल की पोजिशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बायोलॉजिकल कल्चरल राइट्स इक्वल चीजों को वो बैलेंस तरीके से देख नहीं पाते हैं। सो रेडिकल जो फेमिनिस्ट थे वो हमेशा एक नो मैंस लैंड की बात करते हैं,
जहाँ पे पुरुष का, या इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पुरुष का एक रोल है, उस बात को नकारते हैं या उसको डिनाई करते हैं। तो ये जो सुप्रीमेसी था मेल का, उसको हटा के मैं महिलाओं की सुप्रीमेसी की बात करता हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में या रेडिकल से पहले जो फेमिनिज्म की बात करा था, तो इक्वल राइट्स जैसे लिबरल फेमिनिस्ट की बात करते थे, बट यहाँ पे इक्वल की बात ही नहीं हो रहा, यहाँ पे सुप्रीमेसी की बात कर रही है। दैट वोमेन शुड गेट दैट सुप्रीम पावर, सो वाई दैट मेल इज पावरफुल सिंस एज इज सिंसियर्स। तो ये जो मेल की पोजीशन को ऑपरेशन या रेडिकली उसको नेगेट करने की तरीका रेडिकल फेमिनिस्ट उसको देखते हैं। दस डिपोजिट लिबरेशन ऑफ वुमेन एज देयर प्राइमरी पॉलिटिकल एजेंडा अलोंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक इंक्लूजन ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स इन टू द पब्लिक डिस्कोर्स, लीगलाइजिंग अबॉर्शन, डिमांडिंग इक्वल शेयरिंग ऑफ चाइल्ड केयर, हाउस होल्ड वर्क एमंग अदर्स। तो यहाँ पे महिलाओं को जो जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेट या जिस तरीके से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो उनको लगता है कि ये सारे चीजें एक मेल के हिसाब से बना हुआ है। तो जहाँ पे पब्लिक डिस्कोर्स नहीं है, जहाँ पे महिलाओं को अपनी बात सेक्स रिलेटेड या उनकी रिप्रोडक्शन रिलेटेड बात को रखा जा सकता है, तो आवर्षण करने की अधिकार उनको दिया जाए, महिलाओं को दिया जाए, और जो बच्चों को पालने के अधिकार सिर्फ क्यों महिलाएं करेंगे, वाई मेल शुड नॉट डू। तो ये जो हाउस होल्ड वर्क हो, ये सारे चीजें तो इवन ऑल द इशूज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल राइट्स और द सोशल राइट्स जो पहले था, उस चीज को ये कहते हैं बियॉन्ड दैट, दैट हाउ वी कैन गो बियॉन्ड दिस राइट्स व्हाट एवर इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पेट्रियार्की और मेल डोमिनेंट सोसाइटी, उससे आगे बढ़ना चाहते। सो रेडिकल पोजिशन समथिंग गोज बियॉन्ड द बायोलॉजिकल आइडेंटिटी और सेक्सुअल आइडेंटिटी, दे वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड द मेल एंड फीमेल। दैट मीन्स दे कैन हैव ए सोसाइटी वेयर मेन डजंट हैव एनी पोजिशन, सो दे कैन हैव देयर लेस्बियन लाइफ, दे डोंट रिक्वायर फॉर मेल काउंटर पार्ट फॉर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये सारे चीजों में जब उनकी पर्सनल प्रोफेशनल सारे इशूज में महिलाओं अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऊपर पढ़ के देखना चाहते हैं, तो ये डिस्कोर्स थोड़ी सी जो रेडिकल पोजिशन था, तो सारे सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी एक आइडिया था जो एक्सट्रीम आइडियाज के साथ फेमिनिज्म की ये डिस्कोर्स बना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस।